के मामले को लेकर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर भी पीएम मोदी ने मणिपुर पर सरकार की रणनीति पर कुछ नहीं कहा और इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में फिर पीएम पर सवाल उठा दिए। राहुल ने कहा कि मणिपुर में भारत के विचारों की जान ली गई। बीजेपी और संघ के विचार के चलते आज मणिपुर में ऐसे हालात बन गए हैं। बीजेपी और आरएसएस हमारे परिवार के विचारों को समझ नहीं सकते। वो जितना हमें दूर करेंगे हम उतना ही करीब आएंगे। मोदी सरकार मणिपुर के लोगों को समझ नहीं पाई है, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। मणिपुर में हजारों लोग हैं जिन्होंने इसे झेला है। किसी का घर जला दिया गया है, किसी की बहन का उत्पीड़न किया गया है और किसी के भाई और माता पिता की जान ले ली गई। ये ऐसा है जैसे किसी ने पूरे मणिपुर में मिट्टी का तेल फेंक कर चिंगारी दिखा दी। ये ही मणिपुर की स्थिति है। और प्रधानमंत्री ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट तक बात की, लेकिन उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट बात की। वे हंसे, मजाक किया, उनका मंत्रिमंडल हंसा, मजाक किया। उन्हें मणिपुर की चिंता नहीं है। मणिपुर को लेकर हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन पीएम सिर्फ 2 मिनट ही इस पर बोले, जबकि मैंने जो मणिपुर में देखा वो कहीं नहीं देखा। वहाँ महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया है। राहुल के तेवरों से साफ है कि वो मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहेंगे और सरकार को भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। वो तब तक निलंबित रहेंगे जब तक कि संसद की विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। उन पर लोकसभा में मिसकंडक्ट का आरोप लगा है। अधीर रंजन चौधरी का मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गया है और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उनको लोकसभा से निलंबित किया गया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि मेरा इरादा पीएम का अनादर करने का नहीं था, मैंने महाभारत का जिक्र सिर्फ उदाहरण के लिए किया था, जिसके बाद लोकसभा से निलंबित किए जाने और संसद की मानसून सत्र के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और सत्र में उनके खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह डाली। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी देखिए। दादा, आपके आपके संसद में साथी है, वरिष्ठ वकील है मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि आपका जो निलंबन है ये फिट केस है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, क्या आप ये कदम उठाएंगे? हाँ हाँ, उठा सकते, जरूरत पर तो उठा सकते, और वो जो कहा ना मजबूरी से उठा सकते। और 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 एक चीज और, जो आप कह रहे हैं कि पहले आपको फांसी दे दी गई फिर आपका, मुझे लगता है क्या करें, मैं सवाल सुन लीजिए, क्या जो प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई होगी उसके सामने आप पेश होकर? बिल्कुल, बुलाने से जब बुलाएंगे तब पहुंच जाऊंगा। मैं तो बड़ा अस्थिर होकर बैठे हैं, अधीर होकर बैठे हैं कि कब मुझे बुलाया जाए। आई हैव अ क्वेश्चन, जरूर जाऊंगा। देखिए, जो नियमों है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, सब मान के चलते हैं हम लोग और मान के चलूंगा भी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लोगों ने हमें वोट देकर, उनके आशीर्वाद दुआ लेकर नुमाइंदे बनते हुए आए हैं, तो नियमों के मुताबिक चलना चाहिए ना, तो जरूर हम करते रहेंगे। मणिपुर में जातीय संघर्ष को भड़के हुए 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राज्य के हालात अब तक नहीं सुधरे हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर मणिपुर तक सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। अब इस मुद्दे को लेकर मणिपुर आउटर से सांसद लोरुहु फोजे ने मोदी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं। मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीएफ यानी नागा पीपल्स फ्रंट के नेता लोहरु फोजे ने एक इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही हैं, जो दिल्ली से मणिपुर तक सियासी जमीन को हिलाने वाली हैं। एनपीएफ सांसद ने कहा, मैं संसद में बोलना चाहता था लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं मिला, मुझसे कहा गया कि गृह मंत्री ही बोलेंगे। फोजे ने आगे कहा, मैं संसद के पहले दिन से ही सदन में मौजूद था। राहुल गांधी ने मणिपुर के लिए अच्छा बोला, इसकी वजह यह है कि वो हिंसा के बाद ही मणिपुर गए थे और वहां के लोगों से बातचीत की थी, इससे वहां के लोगों में उनके प्रति पर्सनल टच पैदा हुआ। उन्होंने आगे कहा, मणिपुर मुद्दे पर मेरा बोलना बहुत जरूरी था, हम इस मुद्दे को लेकर इमोशनल हैं, हम देश को बताना चाहते हैं कि वहां की स्थिति को लेकर पब्लिक कैसा महसूस कर रही है, यह हमको बोलना ही पड़ेगा। मेरी पार्टी बीजेपी के साथ मणिपुर में गठबंधन में है, इसलिए हमने गृह मंत्री को ही बोलने दिया। हालांकि हमारा बोलने का बड़ा मन था, बीजेपी ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन यह सच है कि मेरा मणिपुर जल रहा है। 100 दिन से ज्यादा समय हो गया है लेकिन अभी तक हिंसा नहीं थमी है, ये दुखद है। मणिपुर में एनपीएफ के कई नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं, अब एक और नेता का यह बयान मोदी सरकार की परेशानियों को बढ़ाने